जिद्दां दे भगवंत मान जी अपने बहुमत लैके पंजाब दे लोगों ने बहुत वड्डी 92 सीटां दित्तियां ने, बड़ा लोगों के मन के बड़ा कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा, पर मेरे ख्याल स्टेट अज साडे पंजाब दे लोग बड़े पछता रहे ने। कल्ले सीएम साहब दे घर दे नज़दीक बंब नहीं, अज पंजाब तमाम हरेक दे घर दे बाहर ही बंब फिरदे ने, क्यों सब अनसेफ ने। लेडीज़ घर भी अपने दरवाजे हुण बंद कर लग गई, और घर भी अपने गहने गट्टे जो भी उन्होंने कन्नां दे विच हत्थां दे विच पाया हो वो बिल्कुल ला के बैठिया ने, भी किसी वेले भी कोई गुंडा अंसर आके कोई उन्हां दा नुकसान कर दिया, और नुकसान हो रहे हैं। सो कानून व्यवस्था जिन्नी भी असीं कह सकते हैं माड़ी है, इहदे वास्ते खास इन्हां नूं ध्यान देना चाहिए। इस वजह दा मुद्दा जिहड़ा बड़ा सेंसिटिव इशू है, साडे पंजाब दे लोकां दे किसानां दे नाल रोटी नाल जुड़िया होया मुद्दा है। और मैं किसान दा बेटा होण दे नाते ये भी कह सकदा भी जो पंजाब दे विच अज जो साढ़े पानी का पद्धर है बहुत नीवा हो चुका है, साढ़े आप दे वास्ते पानी ही नहीं। कानून व्यवस्था की स्थिति है जदों दी गौरमेंट आई है उदों दी बहुत ही माड़ी हो चुकी है, क्यों जे इस गौरमेंट दे आउण दे नाल सारे अनट्रेंड जिहड़े बंदे ने, जे असीं सीएम दी गल करिए, वो अपने जो कल्चर दे विच जो अपने जो दा आपदी लाइन सी उहदे च तां बहुत अच्छे सी उह, पर पोलिटिकल जिहड़ी लाइन है इहदे विच बड़ा डिफरेंट बंदे नूं स्टेट नूं चलाउणा बहुत औखा हुंदा है। इहदे विच खास करके बहुत वड्डा एक्सपीरियंस पिछले समें दे विच जिन्ने भी पंजाब दे सीएम रहे ने वो बतौर थले ग्राउंड लैवल तो चल के आए ने, उहनां नूं राजनीति दे हरेक कणकण दा पता हुंदा है। सो मैं ये कह सकदा भी जिद्दां दे भगवंत मान जी अपने बहुमत लैके पंजाब दे लोगों ने बहुत वड्डी 92 सीटां दित्तियां ने, बड़ा लोगों के मन के बड़ा कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा, पर मेरे ख्याल स्टेट अज साडे पंजाब दे लोग बड़े पछता रहे ने। कल्ले सीएम साहब दे घर दे नज़दीक बंब नहीं, अज पंजाब तमाम हरेक दे घर दे बाहर ही बंब फिरदे ने, क्यों सब अनसेफ ने। लेडीज़ घर भी अपने दरवाजे हुण बंद कर लग गई, और घर भी अपने गहने गट्टे जो भी उन्होंने कन्नां दे विच हत्थां दे विच पाया हो वो बिल्कुल ला के बैठिया ने, भी किसी वेले भी कोई गुंडा अंसर आके कोई उन्हां दा नुकसान कर दिया, और नुकसान हो रहे ने। सो कानून व्यवस्था जिन्नी भी असीं कह सकते हैं माड़ी है, इहदे वास्ते खास इन्हां नूं ध्यान देना चाहिए है। इन्हां नूं ये वैसे अज अपनी जो भी स्टेटमेंट देंदे ने उस विच इन्हां दा कोई ऐसा कोई गल नज़र नहीं आउंदी भी ये सीरीयस है, ये बिल्कुल इस गल तो बहुत दूर ते अनजाण समझे जाते हैं, इस करके स्टेट का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस वजह का मुद्दा जो बड़ा सेंसिटिव इशू है, साढ़े पंजाब के लोगों के किसानों के नाल रोटी नाल जुड़िया हुआ मुद्दा है, और मैं एक किसान का बेटा होने के नाते ये भी कह सकता भी जो पंजाब दे विच अज जो साढ़े पानी का पद्धर है बहुत नीवा हो चुका है, साढ़े आप दे वास्ते पानी ही नहीं, और इहदा सेंटर गौरमेंट बड़ी बहुत ही ठंडे दिमाग नाल सारा कुछ सोच के जिहड़ा इस वजह का मुद्दा है उन्हूं बहुत ध्यान च रखते हुए पंजाब दे हक च फैसला करना चाहिए, क्यों पंजाब का जिहड़ा किसान है वो टोटल निर्भर खेतीबाड़ी पर निर्भर करता, और अज तो पिछले लंबे समय तो इन्हें दूसरिया स्टेटां दे विच किसान ने उन्हां दा भी ढिड भरिया है, तो अज भी जिथे जिथे लोड़ है किसान इत्थों दी फूड दी वो पहुँच करदे आ सी। सो पानी का इशू होण दे करके सानू जो इस वजह दा कल नू मीटिंग बुलाई है उस ते बहुत गंभीरता नाल इह मीटिंग करके इहनू मसले नू पंजाब दे किसानां ते रोटी नाल जुड़े हुए मसले नू बहुत जरूरी हल करना चाहिए।